नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा कि जो मूंदना है वो किस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर वो जो रिवाज होता है वो अच्छी तरीके से हमने आपको दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो हल्दी होती है उसमें क्या क्या रिवाज होते हैं, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं, वो तो सारी की सारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अभी दादी बताएंगे, दादी आप कौन आएगी? अबे सात सुहागनी दौरा बना। अच्छा सुहागनी। अच्छा मतलब सात सुहागनी, एक के हो गए है ना, और दो के हो गए 14। सात सात तो दिखाते हैं हम। एक ही साथ जन तो साथ नहीं बन पड़ते देशा। हाँ। नाड़ बना तो नहीं भाई ना आता बाद या। तो अभी जो सुमन है, जो अभी जो साथ आएंगे उन सभी के तिलक लगाएंगे। और ये राखी तिलक बोले। हाँ। राखी तिलक बोले। अच्छा इसको राखी तिलक बोलते हैं। तो भाई पंडित जी बता रहे हैं कि इनको राखी तिलक बताते हैं, मतलब साजने की होगी ये। साथ साथ दोस्तों, सात सुहागणी हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ये सभी के सभी हैं जो राखी बंधवाएंगे और तिलक लगाएंगे। तो ये एक रीति रिवाज है जो हल्दी के दिन होता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो सभी के सभी यहाँ पे ये तिलक लगवा रहे हैं और राखी बंधवा रहे हैं। तो की सोनार अच्छा पंडित की जगह। ये देखो इस जो ये दादी जी हैं जो मुसल के जो नाल बोलते हैं इसको, ये रीति रिवाज होते हैं कि भाई पंगणाधिपते नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम पितामहे रुद्र विष्णु रुद्र श्री देवी वंदे भक्तिम सरस्वती स्थानम दीपक नमस्कृत्यम गृह। तो दोस्तों अब जो नंबर आया है वो ललिता का आया है। पहले सुमन बांध रही थी, राखी तिलक कर रही थी, और अभी हमारी जो छोटी सिस्टर ललिता वो कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अब आप लोग नजर आ रहे हैं कि जो सात सुहागणी थी वो सारी की सारी मिलकर क्या करेंगे, जो ऊँकड़ी हैं और मुसल इन दोनों से मिला के इसके अंदर है वो जो हल्दी होती है वो एकदम से अच्छी तरीके से पीसेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो छल्ला का जो प्रोग्राम होगा वो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, वो जिससे ये होता है कि जो दुल्हन होती है उसको काम सिखाया जाता है कि घर के काम है जो किस तरह से करते हैं, तो वो आपको आप दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। दोस्तों जो आपने देखा ऊँकड़ी और मुसल, तो ये जो छोटा सा देख रहे हैं इसको ऊँकड़ी और मुसल बोलते हैं। जो मुसल तो वो होता है जो पतला सा है वो, और ऊँकड़ी है वो जो नीचे वो। तो ये जो नज़र आ रही है आपको ये है हल्दी, और इस छाले के अंदर ये जो लकड़ी से बना है इसको हम छाला बोलते हैं। तो इसमें जो अनाज होता है हमारा जो अनाज उसका क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे में। तो इसको जो सुमन है उसको सिखाते हैं
मतलब किस तरह से सिखाएंगे कि कभी ये डालेगी उधर, कभी वो डालेगी, तो ये एक गेम की तरह ही होता है। बहुत अच्छा हमारे राजस्थान के अंदर रीति रिवाज होते हैं। देखो अभी कैसे करने वाली है ये, अभी ये इसके अंदर डालेगी, वो इसके अंदर डालेगी, अभी ये बुआ जी हैं हमारे तो ये अंदर इसके अंदर डाल दिए, अभी सुमन क्या करेगी इसको वापस इसी के अंदर ले देंगे। ये लो, आ रहा है ना मज़ा? तो लाइक नहीं किया तो लाइक करो जल्दी से, और ये वापस डाल दिया। तो ये क्या होता है, एक दो बार तीन बार इस तरह से करना होता है, और ये सभी के सभी जो सात सुहागण हैं वो सभी के सभी करेंगे इस तरह से। तो अभी दूसरे के नंबर आएंगे, तो ये गेम है जो चलता रहता है। तो बान में ये कुछ चीज़ें हैं जो सिखाई जाती है। बान का मतलब होता है हल्दी। आप लोगों के जैसे अलग राज्य हैं उसमें क्या बोलते हैं, वो हल्दी का प्रोग्राम होता है, और हमारे यहाँ पे बान बोलते हैं राजस्थान के अंदर। देख सकते हैं ये इस तरह से ये चलता रहता है। तो अब जो होने वाला है वो होने वाला है, जो हमारी जो सिस्टर है उनके पीले हाथ करेंगे। तो सभी के सभी आएंगे जो सात सुहागण थे, तो सात सुहागण जैसे सुमन के साथ होगी, ललिता के साथ होगी, तो दोनों मिला के कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। तो सारी की सारी इधर से ये इनके पीले हाथ करेंगे, और किस से करेंगे ये आपको अभी ने बता दिया, जो हल्दी होती है इससे ये पीला हाथ करेंगे। और उसके बाद में क्या होता है कि लास्ट में हमारे राजस्थान के अंदर जो सभी औरत वगैरह जो भी हैं, हमारे फीमेल मेंबर सभी आते हैं, उनको जो बाजरा होता है उनकी मतलब घूघरी देते हैं, और साथ में ये जो देख रहे हैं आप लोग इसको धनिया होते हैं आप लोग देख रहे हैं, और साथ में गुड़ वगैरह ये इस तरह से दे के ये सभी को देते हैं। ये इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर ये जो बान का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम है वो होता है। अब देख रहे होंगे ये इसी के अंदर है जो घूघरी बोलते हैं इसको, तो ये घूघरी हैं, और अभी ये प्रोग्राम है जो संपन्न होने वाला है जस्ट। तो हो गया है, देख लो दोनों आँख। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना नए भूलें, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से आपको राजस्थान की जो कल्चर है वो दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।